हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि MHRD ने जारी कर दिया है ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर फ्रॉम 9th क्लास टू 12th क्लास। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट की। तो आप देख सकते हैं ये जो कैलेंडर है, यहाँ पर कुछ जनरल गाइडलाइंस मेंशन है और नीचे जो सिलेबस है इसको 4 वीक्स में डिवाइड किया गया है। आप नीचे देख सकते हैं ये 9th क्लास के सब्जेक्ट्स हैं और नीचे आपके ये 10th क्लास के सब्जेक्ट्स हैं। थोड़ा नीचे आते हैं तो नीचे आपको दो सब्जेक्ट और मिल जाएंगे, आर्ट्स एजुकेशन और नीचे है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। सो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये कॉमन है, 9th और 10th दोनों के लिए हैं। और यहां पर आपको मिल जाएंगे दो एनेक्सर। तो पहले वाले में बताया गया है कि सोशल मीडिया का कैसे यूज करना है, गाइडलाइंस यहां पर मेंशन है टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए। और जो सेकंड वाला है इसमें बताया गया है कि जो तनाव है उससे कैसे निपटा जाए। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 9th क्लास की जो साइंस है उसको बच्चों को कैसे पढ़ना है उसके बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन गिवन है। 3 कॉलम यहां पर है, पहला है लर्निंग आउटकम, दूसरा है सोर्सेस और तीसरा है वीक वाइज एक्टिविटीज। ठीक है, तो लर्निंग आउटकम का मतलब क्या है कि बेसिकली जो आपने सब कुछ पढ़ा है यहां पर उसका आउटकम क्या होगा, और सोर्सेस का मतलब है कि आपको पढ़ना कहां से है, कौन सी बुक से पढ़ना है। ठीक है, और वीक 1 में क्या करना है उसके लिए भी यहां पर मेंशन है। जैसे यहां पर मेंशन है कि आफ्टर रीडिंग लिंक 1 ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको ये जो लिंक गिवन है इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद अच्छे से स्टडी करना है और स्टडी करने के बाद आपको ये जो क्वेश्चंस गिवन है इनका आंसर करना है। इन द सेम मैनर आपको वीक 1 पूरा कंप्लीट करना है। आपको यहाँ पर कुछ वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं ये आपके लिंक है। तो इसी तरीके से आपको वीक 2 भी कंप्लीट करना है और वीक 3 और वीक 4 भी, आप देख सकते हैं वीक 3 एंड वीक 4। ठीक है, तो अब बात करते हैं आर्ट्स एजुकेशन की। तो चलिए इसके जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देता हूं। अगर हम बात करें विजुअल आर्ट की तो आपके सामने यहां पर गाइडलाइंस मेंशन है। आप देख सकते हैं कि 40 to 45 मिनट्स डेली बेसिस पर आपको काम करना है, पढ़ाई करनी है, और 2D और 3D ड्रॉइंग आपको करनी है, पेंटिंग करनी है, और बेसिकली ये जो काम करना है ये अपने हाथों से करना है। ठीक है, आपको टाइम निकालकर अपने हाथों से खुद प्रैक्टिस करना है। और साथ के साथ माँ बाप को भी ध्यान रखना है कि जो बच्चे हैं वो एक्टिविटीज में पार्ट ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे। और इस PDF का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको साइंस के लिए समझाया था जो सिलेबस है उसको डिवाइड किया गया है, उसी तरीके से विजुअल आर्ट का जो सिलेबस है क्लास 9th का, आप देख सकते हैं 3 कॉलम है, दोबारा से लर्निंग आउटकम, रिसोर्स और यहां पर एक्टिविटी है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की। तो नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है तो मैं आपको दिखा देता हूं 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का जो सिलेबस है वो आपका कॉमन है। अगेन सेम आपके 3 कॉलम है, लर्निंग आउटकम, सोर्सेस और यहां पर एक्टिविटीज मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, मेन्यू तैयार करना है ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए और डिनर के लिए, और आपको यूज करना है यहां पर सोर्सेस को। ठीक है, और उसके बाद आपको आउटकम यहां पर शो करना है। थोड़ा नीचे आते हैं तो आपको यहां पर एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें जो आसन है उनके नाम गिवन है। ठीक है, तो आप इनको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग दी यूट्यूब वीडियोस एंड ऑल दैट। और नीचे आपको एक बहुत जरूरी हेडिंग मिल जाएगी कि किस तरीके से हम तनाव को कम कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। तो यहां पर काफी सारे अच्छे पॉइंट्स गिवन हैं, आप देख सकते हैं आपको हंसना है, लाफ लाउड, जैसे नीचे लिखा हुआ है 3rd पॉइंट में, डिस्कवर द योगी इन यू, यानी आप अपने अंदर का योगी जगाएं। आप अपने फेवरेट गाने सुन सकते हैं, म्यूजिक जरूर सुने। तो चलिए अब बात करते हैं किस तरीके से बच्चों को और टीचर्स को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो बच्चों को इस्तेमाल करने हैं अपनी पढ़ाई के लिए।
तो आप यहां पर देख सकते हैं काफी सारे मेंशन है, स्वयं पोर्टल है और यहां पर NROER है, दीक्षा पोर्टल है, और नीचे आपको काफी सारे चीजें जो है मिल जाएंगी। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का आप यूज कर सकते हैं। नीचे फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक लाइव का आप यूज कर सकते हैं बच्चों को लेक्चर्स देने के लिए। ट्विटर है, एडमोडो है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम चैनल है, इसका आप यूज कर सकते हैं। स्काइप आप यूज कर सकते हैं वीडियो लेक्चर्स के लिए। यूट्यूब पर भी आप ऑनलाइन जो है वीडियो अपलोड कर सकते हैं, सो दैट कि बच्चे जो है बाद में देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।